इनोवेटिव इंस्टीट्यूट्स के शिक्षण प्रशिक्षण गतिविधियों का मुख्य केंद्र परीक्षा परिणाम रहा है और इसी का नतीजा है कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि यहां से पढ़ाई करने वाले छात्र एवं छात्राएं यूजीसी नेट जेआरएफ में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। इसी सिलसिले में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एमकॉम एंट्रांस की परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा पास करने वाले छात्रों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए। ये हैं बबलू कुमार, इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के SOL से बीकॉम ऑनर्स की है। इन्होंने इनोवेटिव इंस्टीट्यूट से एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी की और DU एमकॉम एंट्रेंस 2019 की परीक्षा में ओवरऑल 29वें स्थान पर रहे। वहीं OBC कैटेगरी में इन्हें चौथा स्थान मिला। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया है। बबलू ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मैं SOL से ग्रेजुएट हूँ। 2018 में SOL से ग्रेजुएशन किया था मैंने। उसके बाद फरवरी में रेगुलर बैच मैंने इनोवेटिव इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था। उसके बाद यहाँ पर, क्योंकि मुझे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं था कि क्या सिलेबस है, एमकॉम के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो यहाँ पर मुझे गाइडेंस मिला कि क्या पढ़ना चाहिए, कितना क्या सिलेबस है और कितना प्रिपरेशन ज़रूरी है, एग्ज़ाम कैसा आता है, क्या पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं और कैसे